नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से बड़ी खबरें देने जा रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों पहली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र ग्रुप की तरफ से। आपको बता दें कि दुबई में जो है वहां पर से दुबई से दो जो चार्टर्ड फ्लाइटें हैं वो अरेंज करी हैं ताकि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाया जा सके। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि एमिरेट्स एयरलाइन से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे 15 जून से कुछ और नई फ्लाइट्स एमिरेट्स एयरलाइन इंटरनेशनल लेवल पर शुरू करने जा रही है। जो कि रूट्स बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं: बहराइन, मैनचेस्टर, ज्यूरिख, वियना, रामपुर, मलेशिया, सिंगापुर, जकार्ता, ताइपे, हांगकांग, पर्थ, ब्रिस्बेन, यहाँ के लिए जो फ्लाइटें हैं वो चलाई जा रही हैं। साथ में बता दें कि इंडियन अथॉरिटीज से बात भी चल रही है, अगर वो अलाउ करेंगे तो ये उड़ानें 15 जून से भारत के लिए भी हो सकती हैं। अगली खबर की बात करते हैं जो कि सऊदी कंपनी की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें सऊदी कंपनी काफ़ी सारी चार्टर्ड उड़ानें जो है वो भारत के अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मैंगलोर जैसी जगहों के लिए ऑपरेट कर रही है। साथ ही बता दें जो स्पेशल फ्लाइटें हैं सऊदी अरब से इंडिया के लिए उनकी जो लिस्ट वाली डिटेल है वो मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं जो कि अगली खबर साइप्रस से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि साइप्रस ने 9 जून को जो अपने एयरपोर्ट हैं वो रीओपन कर दिए हैं नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। जो एजेंसी से खबर मिल रही है उसके हिसाब से ये एयरपोर्ट दो कैटेगरी की फ्लाइटों को ऑपरेट करेंगे, जिनमें जो कैटेगरी 1 है उसमें इंक्लूड किया गया है ग्रीस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हंगरी, इजराइल, डेनमार्क, जर्मनी, लिथियोना, और जो कैटेगरी बी है उसमें शामिल किया गया है स्विट्जरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, क्रोटिया, इस्टोनिया, सीज रिपब्लिक, इन सब जगहों को इसमें कैटेगरी बी में रखा गया है। तो ये अभी तक की निकल कर आ रही है साइप्रस से खबर। और बता दें कि इंडिया के लिए अभी इसमें कोई भी जो इंक्लूड है वो नहीं किया गया है, पर हो सकता है कि आने वाले समय में। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पर जो लगाए गए हैं उसको परमिशन नहीं दे रही है, जिसके कारण जो एयरलाइंस है वो यहाँ के लिए ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। तो दोस्तों यही अभी तक की कुछ खबरें, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। आगे भी हम आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट करते रहेंगे। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।